अभिषेक 2013 आगे करना भाई, मंदिर को करना भाई। माता शिवरात्रा चल रहे, बाकी जिस दिन भाई 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 पीछे मंदिर के पास में मेरे को सुना रहे कोई है। मंदिर के पास में, मंदिर के पास में सच्चा मंदिर के सामने भाई पत्थर है क्या चीज़ है क्या है नहीं चक चमक रहा है भाई, चमक रहा है भाई। भाई 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 पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ जल्दी जल्दी पीछे जाओ। देखो 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 जा रहे हैं, हमें तो यकीन है लेकिन शायद आप एक बार और दिखाई देते तो। ओ भाई 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 ओ भाई सामने तो भाई आ गया ना बात तो करो भाई 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 राजीव भाई नहीं राजीव आजो पीछे जाओ राजीव राजीव आजो राजीव आजो सबसे पहले तो जय माता जी की और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द आरजे ब्लॉग पर। हाजिर है आपका भाई राधे आज फिर से एक लोकेशन पे। बट दोस्तों एक चीज, आज की जो लोकेशन है वो दी है मेरे ही किसी सब्सक्राइबर ने, ठीक है। लोकेशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि कौन सी जगह मैं आया हूँ, क्यों आया हूँ और किसने मुझे यहाँ पे भेजा है, सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले बताना चाहूंगा कैमरे पे अपने अज्जू भाई, आज दोस्तों आपका भाई राधे पहुंचा है एक ऐसी लोकेशन पे जहां पे कहते हैं कि भगवान है। सुनने पे आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, थोड़ा सा अलग लगेगा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि वाकई दोस्तों हकीकत में मैंने भी थोड़ा सा सोचा कि यार शायद ऐसा 2024 में पॉसिबल है क्या कि भगवान मौजूद है। मेरे कोई सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे एड्रेस दिया था मध्य प्रदेश के पास ग्वालियर शहर से लगभग 65 किलोमीटर दूर एक रेणवा करके कोई कस्बा है, छोटा सा गांव है, वहां पे एक प्राचीन मंदिर है। कहते हैं कि नवरात्रा के दिनों में वहाँ पे कोई लेडी दिखाई देती है और जितने भी आसपास के लोग हैं सबका यही कहना है कि वो कोई लेडी नहीं है जबकि वो माता रानी है। हो सकता है वो दुर्गा माता हो, काली माता हो, कोई सी भी माता हो सकती है, लेकिन लोगों के मन में ये श्रद्धा है कि वो एक माता ही है जो केवल दो दिन दिखाई देती है। दोस्तों मैं कल शाम को यहाँ पहुँच गया था, कल भी मैं आके ये लोकेशन विजिट करके गया दिन में, क्योंकि यहाँ का एड्रेस मुझे भी नहीं मालूम था। जिस बंदे ने, जिस भाई ने बुलाया वो छोड़ के गया, दिखा के गया। बट आज है अष्टमी और रात के बजने वाले हैं लगभग 12:30। कब से बैठे थे आपके सामने, बैठे थे, उठ के आए और अब दिखाते हैं आपको वो मंदिर। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है यार दोस्तों के, आप पूरी वीडियो वॉच करना, शायद हो सके मेरी किस्मत ख़राब हो या मेरे कुछ ऐसे पाप हो, शायद माता रानी के दर्शन करने के मेरे सौभाग्य ना हो, बट अगर ऐसा कुछ भी होता है, कोई भी चीज़ दिखाई देती है तो आप लोग खुद तय करना कि वो क्या चीज़ है। आज कोई गोस्ट नहीं है, कोई ऐसी हॉन्टेड लोकेशन नहीं है, डर नहीं है, लेकिन कह सकते कि डर है वो है सिर्फ और सिर्फ जानवरों का, क्योंकि ये जो जंगल है दोस्तों जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, कसम से यहाँ पे सबसे ज्यादा खतरा है पेंथर का और भालू का। थोड़ी सी सेफ्टी के नाम पे हमारे पास है ये एलईडी लाइट, क्योंकि इसकी वजह से शायद कोई जानवर हमारे पास ना है। अब देखना ये है उस मंदिर के पास चल के यार वाकई में जैसा सुना था वैसा कुछ है, या बस जैसे न्यूज चैनलों पे आता है आधा हकीकत आधा फसाना, या अद्भुत अविश्वनीय अकल्पनीय ऐसी कोई स्टोरी हमारी भी बन के रह जाए। जहाँ तक दिल कह रहा है कि यार एक बंदा गलत हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, दस हो सकते हैं, पूरा का पूरा गांव गलत नहीं हो सकता।
और उसी की बेसिस पे हम इस लोकेशन पे आए। अगर एक बंदा दो बंदे के दोस्तों इस जगह की जो प्रूफ करती है कि वाकई नवरात्रा के टाइम में यहाँ पे कोई ना कोई आता है। और लोगों का जहाँ तक मानना है ना दोस्तों, इतना ही है कि वो माता रानी ही है। बट यहाँ पे कुछ हादसे ऐसे हुए, इस वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा ये चीज चेक करने के लिए कि वाकई ऐसा कुछ है या नहीं। वो हादसे ये थे कि दोस्तों सूर्यास्त के बाद कुछ लोग यहाँ पे पूजा पाठ के लिए आए थे और उनके साथ रहस्यमय तरीके से कुछ घटना हुई, उनकी मौत भी नहीं हुई थी। वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि यार यूपी में अपने वृंदावन में जो निधि वन है, अगर सूर्यास्त के बाद वहाँ कोई रुकता है तो वो अपना मानसिक आपा खो देता है, वो मेंटली डिस्टर्बेंस हो जाता है, उसको होश नहीं रहता। चलो अज्जू भाई चले। हाँ भाई बिल्कुल। ये कुछ यहाँ पे पत्थर वत्थर डले हुए तो है शायद कुछ भाई मंदिर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, तो हो सकता है कुछ मतलब जो आप कार्य होते हो वो होते हो। जंगल भी बहुत बड़ा है यार, डर है जानवरों का। सेफ्टी के लिए एक डंडा भी नीला है, क्योंकि देखो इतनी दूर आए माता रानी के लिए, तो माता रानी हमारे साथ है ही है भाई। इतना बड़ा जंगल है ना यार, जानवर तो है। दोस्तों मेरे को थोड़े थोड़े से वृंदावन जैसे लग रहे हैं, जो निधि वन है ना अज्जू भाई। हाँ भाई, आपने शायद देखा नेवा का भी, वो भी जो पेड़ है ना, ये पेड़ मेरे को वैसे ही फील दे रहे हैं। देखो वो भी टेढ़े मेढ़े मुड़े हुए पेड़ थे, ये देखो ये पेड़ भी वैसे ही है। और एक नहीं भाई, बहुत सारे पेड़ यहाँ पे वैसे ही ऐसे ही दिख रहे हैं। पीछे भी कुछ पेड़ थे और अंदर भी जाके आया था दोस्तों में, और हो सके आपको भी लेके चलूं। और दो तीन जगह ऐसे कुछ पत्थर इकट्ठे कर करके कुछ कुएं जैसे खड्डे जैसे बने हुए हैं। ये क्या है सामने भाई, है ना सामने सामने वो वहाँ पे पत्थर के क्या कुछ बना हुआ है क्या देखने को, तो कुछ बना हुआ है क्या यहाँ पे भाई? शायद माता रानी के भोग भोग लगाते हैं ना। हाँ भाई, उसकी कोई चूल्हा वगैरह बना हुआ है। हाँ। अभी नवरात्रा चल रहे दोस्तों, तो दिन में काफी लोग आते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद यहाँ कोई नहीं आते। लेकिन आपका भाई स्पेशली, आपका भाई सिर्फ इसीलिए आया है कि आपको वो चीज दिखा सके। आप खुद तय करना, आप तय करना कि वो क्या चीज है। बाकी माता रानी साथ है तो डरने की जरूरत है नहीं, नवरात्रा चल रहे। बाकी जिस दिन भाई 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 पीछे मंदिर के पास में मेरे को ऐसा लग रहा कोई है। मंदिर के पास में, मंदिर के पास में जस्ट मंदिर के सामने भाई क्या? पत्थर है क्या, चीज है क्या है ना, चमक रहा है भाई, चमक रहा है वो कुछ। भाई 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 पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, जल्दी जल्दी पीछे जाओ भाई 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 पीछे भाई पीछे। अरे यार अरे भाई, कोई लेडी थी यार शायद। अल्लाह हे भगवान, अल्लाह माता दुर्गा मदद, जय श्री राम। सच में कोई था भाई, लेडी थी भाई, हो सकता है। पहले ये था कि कोई शायद हवा में कोई कपड़ा आके फिर कोई पहले ऐसा लगा था, चमक थी ना आके निकली, मम्मी की कसम। तो भैया भाई इतनी सामने मतलब सामने इतनी ये है लाइट, ठीक है, उसके बाद के अंदर भी ना वो चीज़ें मतलब बहुत लाइटिंग हो रही थी वहाँ पे, बहुत लाइटिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा चीज़ थी ये, कोई मामूली चीज़ नहीं थी जो भी थी। और मैंने आज तक ऐसी चीज़ नहीं देखी। लेडी जैसा गाँव वाले कहते हैं ना कि शायद बहुत से लोगों का, गाँव वालों का जो पड़े हुए लोग है अज्जू भाई, वो कहते हैं कि यार ये कोई लेडी है जो आती है रात को। बट भाई इतने खतरनाक तरीके से चमकीले और शाइन वाले कपड़े मैंने नहीं देखे, मैंने भी नहीं देखे भाई। ऐसे लग रहा था साक्षात वहाँ कोई लाइट या कोई आग की रोशनी हो रही है। लाइट बढ़ा के रखो, जय माता दी, रक्षा करना। हमारी हमारा कोई मनसूबा नहीं है किसी तरीके से, हम गलत नहीं आए, बस आपका जो चमत्कार है वो सिर्फ हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि आज भी ऐसा कुछ मौजूद है। क्योंकि दुनिया में वैसे पाप बढ़ चुका है, शायद आपको
यार भाई आवाज आई है यार। लाइट 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 बढ़ा के रखो। हाँ भाई फुल लाइट। रोशनी की वजह से कोई जानवर वगैरह अटैक ना करे। भाई देखो ये सारे पेड़ वैसे ही है ना। अंदर देखो पूरा जंगल नीति बन के जैसे है। दोस्तों जिन जिन भाइयों ने वहाँ की वीडियो देखी है ना स्पेशली कमेंट करना यार ये पेड़ उनसे मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे। ओए अंदर से कोई आवाज थी। आवाज आई थी ना अंदर से। आवाज आ रही है यार। भाई पहले जो चीज दिख एग्जैक्ट यहीं पे देखा था भाई। भाई वो कोई कपड़ा नहीं हो सकता। ये देखो अभी तो जानवर की आवाज इग्नोर मारो। भाई यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। पैसा भाई पाँव दूर रखना। ये क्या लिखा हुआ है भाई। जय माँ दुर्गा 12/6/2013। भाई आगे करना भाई मंदिर पे करना लाइट। भाई माता जी का मंदिर है। माता जी की फोटो लगी हुई सामने। पीछे आओ दोस्तों। मंदिर तो मेरे को छोटा ही लग रहा है बट जो चीज हमने अभी देखी ना कसम से पूरे तरीके से हिल चुका हूँ। शायद हो सके। ये क्या है रेड रेड। भाई माता जी की चुन्नी है ना। हाँ भाई करना। भाई कुछ लिखा हुआ है क्या इस पे। भाई शेरों वाली माता जी है दुर्गा है। भाई 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 देख भाई हवा चलने लग गई। अचानक से हवा चल रही है ना। भाई जब इतनी दूर आए शायद हो सके। मेरा दिल तो यही मैं नेगेटिव नहीं लूंगा इन चीज़ों को। मैं पॉजिटिव थिंकिंग में ही रखूंगा। पहले भाई माता रानी के दर्शन करना जरूरी है। ये माता दी सबको खुश रखना सबको स्वस्थ रखना। और माता रानी आपसे एक अरदास है आपके बेटों की। अगर आप सचमुच में आप ही थे तो मैं चाहता हूँ एक बार और आप हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सामने आके दर्शन दे। आवाज आ रही है यार। भाई मेरे को अजीब सा फील हो रहा है कसम से। भाई मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानूंगा माता अगर आप हमारे सामने आते हो तो हमें एक बार और आप दर्शन दो। भाई सिक्योर फील नहीं कर पा रहा है यार। भाई अभी भी कसम से यकीन नहीं हो रहा दोस्तों। मेरी लाइफ में ये पहला मोमेंट ऐसा है। शायद हो सके आज के बाद मैं कुछ करूँ या ना करूँ। भाई अंदर से आवाज आ रही है। भाई 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 अंदर नहीं जैसा जंगल के। आवाज को सुनो। आवाज को भाई इस तरफ सामने की तरफ से है ना। जहाँ से आवाज आई थी जहाँ ये माता जी के फले गए ना यहीं से आवाज आ रही है। पीछे जो भाई ये बहुत ही रोचक बात लग रही है मुझे इन पेड़ों को देख के। देखो माता रानी मुझे आपका बच्चा समझो और कैसे भी हमें सिर्फ एक बार। और मुझे तो यकीन हो गया मैंने तो आपको देखा है क्योंकि मेरी जिंदगी में इतनी भयानक रोशनी किसी चीज में नहीं देखी। और ये कोई दिव्य शक्ति ही है जो इतनी तेज थी जो हमें दिखाई दी। मैं एक बार चाहता हूँ कि आप आपके बेटों के सामने वापस आके दर्शन दो। दोस्तों यार सच्ची कहूँ ना आगे वीडियो में क्या हुए क्या नहीं मुझे नहीं पता। बस एक छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगा आपको कि जिस जिस भाई ने अगर थोड़ा सा भी डाउट हो ना कसम से दोस्तों दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ आपको कि ये चीज़ रियल थी 100% रियल थी। अगर विश्वास नहीं होना मैं भी यहाँ पे कोई विश मांग के जा रहा हूँ। आपने जिस चीज़ के दर्शन करे मंदिर भी मैंने आपको दिखाया और वो जो चीज़ दिखी थी मेरा मानना यही है कि वो माता रानी थे। आप अपनी विश मांग के देखना और जिस जिस भाई की विश पूरी होती है वो कमेंट करके बताना। और ये भी बताना कि यार
जिस जिस भाई ने यहाँ के बारे में कहानी सुनी है वो जरूर कमेंट करना। अज्जू भाई दर्शन करते हैं और अपन निकलते हैं। भाई आवाज आई है अंदर से। हैं? भाई आवाज आई है अंदर से, पीछे से आई ना। हाँ राधे भैया मेरी बात सुनो भैया। भाई अंदर मत जाओ ठीक है, हमें करना है माताजी के दर्शन। ठीक है दर्शन करो और यहाँ से निकलते हैं। यह कोई हॉन्टेड लोकेशन नहीं है जो हम वापस अंदर जाए यार यहाँ पे, क्योंकि देखो आपको खुद को पता है यार कि वो चीज़ साहब जो माताजी है जो भी है ठीक है हमारे सामने आ चुकी है। ठीक है अब बार बार अगर हम ऐसे अंदर जाएंगे ना तो ठीक नहीं होगा यार। सही कह रहे हो, दर्शन करके निकल। हाँ हम जा रहे हैं, हमें तो यकीन है लेकिन शायद आप एक बार और दिखाई देते तो। ओ भाई 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 क्या हुआ भाई? भाई सामने क्या है? पेड़ पेड़ के पास तो। जय माता दी, रक्षा करना हमारी। भाई आ गया ना भाग के तुरंत। भाई 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 राधे भैया नहीं, राधे भैया जो पीछे जो राधे भैया, राधे भैया जो बोल रहा था आपको अंदर बच्चों चलते हैं यहाँ से यार। हाथ जोड़ लो बस दादी भैया, माथा टेक लो, हाथ जोड़ लो भाई। आ जाओ दादी भैया, आ जाओ, हिम्मत ही नहीं है भाई बोलने की। भाई बंद करो, निकलते हैं तुरंत।